आम का आचार से मुंह में पानी नहीं आते, ऐसे लोग मिलना तो मुश्किल है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे मेरी मामी की और एक आचार की रेसिपी, आम की मीठा आचार। ये इंस्टेंट बन जाता है और कोई भी प्रिजर्वेटिव के बिना ही आप इसे साल भर यूज कर सकते हैं। ये जैम जैसा लगता है, चपाती, पराठा या फिर ब्रेड के साथ आप इसे खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अंकिता किचन डायरी। शुरू करते हैं आज का रेसिपी। इसके लिए हम ले लेंगे आधा किलो कच्चा आम, आधा किलो शक्कर। जितना अमाउंट में हम आम लेंगे, शक्कर भी उतना ही अमाउंट में लेना है। ले लेंगे थोड़ा सा इलायची और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। पहले आम को नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आम को अच्छे से धो लिए हैं। अब किचन टॉवल की मदद से इसे एक एक करके हम पोंछ लेंगे, ताकि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी ना रह जाए। ऐसे करने से बाहर का पानी बिल्कुल आम के अंदर नहीं घुसते हैं और आचार बहुत दिन अच्छे रहते हैं। इसके बाद एक पिलर की मदद से आम का छिलका निकाल लेंगे। फिर आम को काट के इसका गुठलियां निकाल लेंगे। आम को क्यूब शेप में काट लेना है। हमने यहाँ पर एक एक आम को 12 टुकड़ा में काट लिए हैं। बाकी सारे आम को भी हम कट के रेडी कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई गरम करके उसमें 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। तेल गरम हो गए हैं, अब हम इसमें 7-8 इलायची तोड़ के डाल देंगे। इलायची को हमेशा तोड़ के ही तेल में डालना है, नहीं तो वो फट जाता है। ये थोड़ा भून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे आम। आम को 3-4 मिनट हम पका लेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 किलो शक्कर। सारे चीजों को धीमी आंच में हल्के हाथों से मिला लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे ये शक्कर मेल्ट हो जाएगा और खुद ही पानी निकल के आ जाएगा। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए शक्कर मेल्ट होने लग गए हैं। अब लो फ्लेम में इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि शुगर कढ़ाई में लग ना जाए। देखिए अब आम गलने लग गए हैं और अचार का कलर भी चेंज होने लगे हैं। इसे थोड़ा और पका लेंगे। ये लगभग हो चुके हैं। अचार का रस जो थोड़ा पतला दिख रहा है, ठंडा होने से ये गाढ़ा हो जाएगा। हाथ में लेके हम चेक करेंगे अचार बन गया कि नहीं। देखिए मोटा तार जैसा हो रहा है, इसका मतलब है अचार बन के रेडी है। आप फ्लेम अप करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अचार पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही इसे एक एयरटाइट ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। हमने पहले से ही ग्लास जार को अच्छे से क्लीन करके धूप में सुखा के रख दिए थे, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। इससे अचार साल भर ठीक रहता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैप्पी कुकिंग।